ये देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्य। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। आतंक की फैक्ट्री जिस सोच के कारण जन्मित थी, जिस सोच के कारण चलती थी, वो सोच को पोषण करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने नाबूद कर दिया। देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को अपील करना चाहता हूं, एनडीए अलायंस से कांग्रेस और उनके साथी गुमराह करेंगे, मत डरना। गुजरात भर से कई जिलों से आए हुए शरणार्थी अब तक कहलाते थे, आज से भारत माता के परिवार में आप लोग शामिल हो जाएंगे। ऐसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मेरे जैसे समाज जीवन के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि ये सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। और पास्ट में भारत सरकार जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं मिले, उनको न्याय नहीं मिला। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई, क्योंकि वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी हुई। लाखों करोड़ों लोग, तीन तीन पीढ़ियां हो गई, न्याय के लिए तरसते रहे, मगर एक इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इनको न्याय देने का। मैं आज सीएए के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता, सीए क्यों लाना पड़ा। किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया। और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया तब भयानक दंगे हुए, स्वाभाविक था होंगे, मगर विजुलाइज नहीं कर पाए। अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिन मनाने का काम किया है। भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते थे उनको सहन करनी पड़ी, हम नहीं भूल सकते। परिवार के परिवार उजड़ गए, करोड़ों पति अरबों पति हमारे गांधीधाम में रोड पर आकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं। और उस वक्त विभाजन का फैसला तो किया, मगर जब ये परिणाम आने लगे, कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था, बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा
कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी और तुष्टिकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो वहां से भाग कर आए, प्रताड़ना झेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गवाया, कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए और यहां आए, यहां उनको नागरिकता भी नहीं दी। 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 ये यात्रा इस देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। मैं आज इस मंच से जिन जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको पूछना चाहता हूं, क्या दोष था इन लोगों का जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए, वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। कानून लोगों के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते हैं। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे और 2019 में हम सीए लेकर आए। और करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय देने की शुरुआत हुई। मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं काफी समय चुप रहा हूं, ये कानून पारित हुआ था 19 में, 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, अभी हमने दी। इनके चेहरे देखिए, हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक तुष्टिकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। 19 में कानून पारित होते हुए भी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।